मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्राथमिक शाला नांदेवगाड़ी में 41 बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल भवन का झरझर होने के कारण बच्चों को बहुत परेशानी होते है। बेटी तेरा नाम क्या है? सुलेखा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? चौथी। तुम्हारा क्या समस्या है बेटी? तुम्हारे स्कूल का क्या स्थिति है? सीट टूटी है। सीट टूटी है तो इसमें क्या क्या परेशानी होती है? पानी गिरती है, दरवाजा नहीं है, परेशानी होती है। हमारे स्कूल में बारिश के समय में पानी पूरा अंदर घुस जाता है, सीट पूरा टूटा हुआ है। इधर सामने बरामदा में इधर जाली वगैरह की आवश्यकता है, यहाँ पूरा खुला है, दरवाजा भी नहीं है और 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित है। यहाँ पर कक्षाएं संचालित करने में परेशानी होती है हमें, क्योंकि यहाँ पे एक ही रूम है और ये बरामदा खुला हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी बारिश के समय ही होती है हमको। अभी तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा परेशानी हमें होती है। और हमको एक बिल्डिंग की आवश्यकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग पूरा जर्जर हो चुका है। ये 97 में इस बिल्डिंग का स्थापना वर्ष है, इसलिए हमें मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बिल्डिंग शासन द्वारा दिया जाए। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले से अपील करते हमारे खंड अधिकारी का RG गुजरे BO घोराडोंगरी फ़ोन नंबर है 7141-23-23-60 पर फ़ोन करें और इस पे दबाव रखें, ताकि इस स्कूल की स्थिति को सुधारा सके और हमारे बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिल सके। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, IndiaUnheard के लिए।